नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से 40 माइक्रो माइक्रोफेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अर 200 हंड्रेड वोल्ट फिफ्टी हर्ट ए सी सप्लाई द आर एम एस वैल्यू ऑफ़ द करंट इन द सर्किट इज नियरली और चार ऑप्शन दे रखे हैं नाउ अगेन बहुत सिंपल सवाल है अपने को बात पता है करंट जो है uh, उसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी आर एम एस आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्ससी और एक्सी को हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू वन बाय ओमेगा सी सो so, आपका आई आर एम एस जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी वी आर एम एस मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा मल्टीप्लाइड बाय सी ये सारा डेटा दे रखा है वैल्यू uh, डाल के आंसर आ जाएगा सो दिस इज इक्वल टू वी कितना दिया हुआ है 200 सौ दो बाय मल्टीप्लाइड ओमेगा को हम यहाँ पे टू पाई एफ लिख देंगे सो टू पाई मल्टीप्लाइड बाय एफ एफ फिफ्टी दिया हुआ है और ये ओमेगा सी है और C जो दिया है वो है अपने को चालीस माइक्रोफेरेट सो दिस इज़ 40 मल्टीप्लाइड बाई टेन टू दी पावर माइनस सिक्स वो सॉल्व करके आंसर आ जाएगा और लाइट right, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो so ये अपनी वैल्यू आ जाएगी सो दिस विल बी इक्वल टू फोर फाइव या ट्वेंटी टू टू एट सो एट्टी पाई मल्टीप्लायड बाई टेन की पावर देख लेते हैं एक दो तीन चार टेन टू दावर माइनस चार माइनस कर देंगे माइनस टू नाव एटी पाए पाए होता है अपना थ्री पॉइंट वन फोर एट से जब उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा आपका टू पॉइंट फाइव मल्टीप्लाइड बाई इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट उससे कैंसिल हो जाएगा सो टू पॉइंट फाइव एम्फेर वुड बी आर फाइनल आंसर